नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं समझता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भारतीय डाक विभाग GDS भर्ती का सपना देख रहे हैं, वो इस वीडियो को देख करके मिठाई बांटने वाले हैं। साथियों, 2016 के बाद चयनित सभी GDS कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। जी हां, 2016 के बाद भारतीय डाक विभाग में GDS की नौकरी लेने वालों, सावधान, आपके लिए बहुत बड़ा सख्त कदम उठाया जा रहा है। आइए वो खबर देखते हैं जो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं के चेहरे पर खुशी देने वाली है। साथियों, फर्जी ग्रामीण डाक सेवक GDS के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। 2016 से अब तक चयनित सभी GDS का होगा दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सावधान, चेतावनी। डायरेक्टरेट ने सब डिविजन्स को आर्डर दे दिया है, लेटर जारी कर दिया गया है और सब डिवीजन भी अपना आदेश आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथियों, क्या है मामला सुनिए। 2016 से GDS की जो भर्ती है वो ऑनलाइन की जा रही है। 2016 से पहले GDS की भर्ती ऑफलाइन निकलती थी, किसी को पता भी नहीं होता था। कोई डाक विभाग में रिश्तेदार, किसी का पड़ोसी, किसी का परिवार का सदस्य अगर नौकरी कर रहा है तो उसी को मालूम होता था कि GDS की भर्ती निकाली गई है। उसमें भी खूब सारा घपला होता था, घपला। जानकार को नौकरी मिली थी, अनजान को इसका कोई सपने में भी पता नहीं। लेकिन 2016 के बाद इसको ऑनलाइन डाल दिया गया। धीरे धीरे 2016 के बाद अब 2024 बीता जा रहा है, अब तो पता चल गया है हर किसी को कि GDS क्या होता है। लेकिन जब से 2016 से ये भर्ती ऑनलाइन की गई, साथियों आपको बता दूं, उसमें चयनित कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन चेक नहीं किया गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन ही चेक किया गया था। सुनिए खबर। साथियों, नौकरी कर रहे GDS कर्मचारी, फर्जी मामला देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपने देखा जिस तरीके से तमाम फर्जी खबर आ रही है, मेरे पास हजारों ऐसे अखबार की कटिंग है, हजारों ऐसी न्यूज़पेपर है जिसमें तमाम वो GDS की 10th की मार्कशीट का फर्जीवाड़ा उजागर कर रही है। एक वीडियो में अगर बताने लगा उन खबरों को तो मैं समझता हूं कम से कम 1 घंटे की वो वीडियो हो जाएगा। चाहते हो तो बोल देना, किसी दिन सच्चाई के लिए अभिषेक क्लासेज हमेशा पीछे नहीं होता। साथियों, अब क्या होगा, यह कदम तो उठा लिया गया है। 2023 से डीजी लॉकर से दस्तावेज की जांच हो रही है, सभी को पता है। डीजी लॉकर का मतलब होता है 10th की मार्कशीट जहां से पास आउट की है उस बोर्ड को ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। जिस भी बोर्ड से पास आउट है वह बोर्ड, वह यूनिवर्सिटी, वह स्कूल ऑनलाइन है या नहीं वो देखा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स को अब ऑनलाइन चेक किया जाता है। 2024 में जो इस साल GDS की भर्ती आई उसमें SDV मेथड लागू किया गया, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 3D इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई। 10th की मार्कशीट को भी ऑनलाइन चेक किया गया, जिसका नतीजा यह था कि काफी पकड़े गए हैं फर्जी कैंडिडेट्स। इसी साल की बात कर रहा हूं। तो इस सब चीज को देख करके अब दोस्तों कहीं ना कहीं 2023 से पहले आपने देखा कि ऑनलाइन 10th की मार्कशीट नहीं होती थी और डीजी लॉकर की कोई सुविधा नहीं थी, सारे ऑनलाइन नहीं किए गए थे जांच। 10th की मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, सभी ऑफलाइन जांच किए गए थे। लेकिन अब दोस्तों कहीं ना कहीं मामला बढ़ चुका है, ध्यान देना है आपको। एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाता है 4th नंबर का। वैसे तो 4 अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं, लेकिन मैं एक की बात करूं तो उसमें पहले से ही जॉइनिंग से पहले आप लोगों से डाक विभाग लिखवा लेता है क्या कि अगर आपने फर्जी जानकारी देकर के GDS की नौकरी ली है तो नौकरी के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप कोई भी कोर्ट केस नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आपने 5 साल नौकरी कर ली हो, चाहे 2 साल नौकरी कर ली हो, चाहे 4 साल नौकरी कर ली हो, अगर आपने फर्जी मार्कशीट लगा करके गलत जानकारी दे करके GDS की नौकरी अब तक की है, कर रहे हो, तो आप बच नहीं सकोगे। ये तमाम उन कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है जिनका सपना है कि हम नौकरी लगे। हर साल GDS की भर्ती आती है, 10th पास, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा, आरक्षित कैटेगरियों को छूट दी जाती है मैक्सिमम आयु सीमा में। लेकिन भर्ती तो आती है लाखों पदों पर हर साल, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी 100% है 10th क्लास में, 10वीं में टॉपर को ही नौकरी मिलती है। लेकिन आपने देखा एक 100% वाला जब GDS की नौकरी ले रहा है तो GDS का काम होता है डाक विभाग की चिट्ठियां बांटना, लेकिन एक टॉपर को चिट्ठियों का पता नहीं पड़ पा रहा। टॉपर यार, जिसने 10th में 100% बनाया, मेरिट लिस्ट में नाम लिया, वो चिट्ठियों में लिखे पते भी नहीं पढ़ पा रहा, ये खबर कह रही है। कहां से इसने 10th में 100% बनाया? ये GDS है, ये इस तरीके से फर्जी GDS अगर नौकरी लेने लगे तो डाक विभाग को ले डूबेंगे साथियों। इसलिए तमाम 2016 के बाद के सभी एम्प्लॉयों का डॉक्यूमेंट्स दोबारा से जांच होगा, अगर फर्जी पाया गया तो नौकरी से हटाया जाएगा। और मैं समझता हूँ हजारों एम्प्लॉय नौकरी से हटने वाले हैं। नए कैंडिडेट्स, जल्द आप मिठाई बांटो, खुशखबरियाँ बांटो। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ आपकी जो मेहनत से 10th क्लास में बनाई हुई परसेंटेज है वो काम आने वाली है, चाहे वो 80% क्यों ना हो, चाहे वो 70% क्यों ना हो, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। क्योंकि इन 100% फर्जियों के खिलाफ हम खड़े हैं। हमने तमाम पर्दे के पीछे ऐसे ऐसे लेटर लिखे हैं, यूनियन को लिखे हैं, हर जगह हमने जो है बात पहुंचाई है, लेकिन कोई बात प्राइवेट भी होती है जिसको हम बोर्ड पर नहीं बता सकते। बड़ा दर्द होता है, 3 साल से इस भर्ती की प्रक्रिया को देख रहा हूं, आंखों से मैंने देखा है कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है। एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया GDS का, और इसी वाली भर्ती 2024 में उसको मैसेज आ गया यार कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आओ। बताओ, जिसने फॉर्म ही नहीं डाला भर्ती का, उसके पास मैसेज आ गया कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, आपका चयन हो चुका है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा दाल में काला, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। साथियों, आप सभी युवा साथी, सभी भाई बहन मिलकर के इस वीडियो को इतना शेयर करो कि रुक ना जाए। लाइक का बटन ठोको और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। ये बहुत बड़ी खबर है, आप सभी के लिए खुशखबरी दे रही है। देखते हैं ये प्रक्रियाएं जब स्टार्ट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एम्प्लॉयों का होगा, फिर मैं आपको खबर दूंगा जिसमें बहुत बड़ी गुड न्यूज होगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ पर्दाफाश करने वाला हूं। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिस जो आया है, टेलीग्राम पर तुरंत पहुंच जाओ, हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहो। थैंक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।